हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है फर्मेट लिटिल थ्योरम। आज है वो अपन फर्मेट लिटिल थ्योरम यानी फर्मा लघु प्रमेय के बारे में अपन आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो आपके अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको अपन आज डिस्कस करेंगे। फर्मेट लिटिल थ्योरम के बारे में पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा फर्मा नंबर, जिसके बारे में अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, और आयलर थ्योरम के आयलर नंबर के बारे में भी अपन ने पीछे जो है प्रीवियस वीडियो में अपन ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। तो फर्मा नंबर को अपन ने किस तरह से देखा था, फर्मा संख्याएं। तो ये क्या होती है, फर्मा संख्याएं 2 की पावर n माइनस 1, यही होती है अपनी फर्मा नंबर। फर्मा नंबर को अपन इसी तरह से क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। सॉरी, माइनस वन नहीं होता है, यहाँ पे प्लस वन होता है। फर्मा जो नंबर्स होती है उनको अपन एफ एन से दिखाते हैं, ठीक है, एफ एन से। और ये जो आती है ये सारी की सारी ऐसे नंबर्स आते हैं जो क्या होते हैं, अपने प्राइम नंबर से होते हैं, ठीक है। इनसे जो ये जितने भी फर्मा नंबर अपन यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे वो कैसी होंगी, ऐसी संख्याएं होगी जो क्या होगी, अभाज्य होगी, ठीक है। तो यहाँ पर फर्मा संख्याओं के बारे में अपन ने जाना है। फर्मा संख्या को अपन इस तरीके से यहाँ पर डिफाइन करते हैं। अब अपन जो है वो देखेंगे फर्मेट लिटिल थ्योरम के बारे में कि फर्मा लघु प्रमेय क्या होती है। पहले अपन उसके स्टेटमेंट को देखेंगे और फिर अपन उसके यहाँ पर प्रूफ को देखेंगे कि उसको अपन कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना देखेंगे फर्मा लघु प्रमेय, फर्मेट लिटिल थ्योरम। इसका जो स्टेटमेंट है वो गिवन है, इसके अंदर अपने को दो चीज़ें गिवन हैं। पहली अपने को स्टेटमेंट में गिवन है कि जो वैल्यू अपन लेके चल रहे हैं ए, और यहाँ पे पी एक प्राइम नंबर है। यदि पी एक अभाज्य संख्या है तथा HCF ऑफ ए एंड पी, ए और पी का जो HCF है वो कितना है, 1 है, यानी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। देन अपन क्या कह सकते हैं कि ए की पावर पी -1 -1, यानी तब ए की पावर पी -1 और -1 पी से भाज्य होगा, ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। पहली कंडीशन गिवन है कि p एक प्राइम नंबर है। दूसरी कंडीशन गिवन है कि a और p जो है उन दोनों का जब अपन HCF निकालते हैं तो वो कितना आता है, अपना 1 आता है। तब अपने को प्रूफ करना है कि a की पावर p -1 -1 क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए p -1 से। या मैं ये चीज़ कह सकती हूँ, दैट इज अपन अगर इसको कॉन्ग्रुएंस की हेल्प से लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, a की पावर p -1 कॉन्ग्रुएंस 1 मॉड p, ये मुझे यहाँ पर प्रूफ करना है, ठीक है। a की पावर p -1 कॉन्ग्रुएंस 1 मॉड p यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है उनको अपन लेके चलते हैं और यहाँ पर उसकी हेल्प से यहाँ पर जो है वो अपन किसका यूज करने वाले हैं, बाइनोमियल जो थ्योरम होती है, द्विपद प्रसार, ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन। अपन ने बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि द्विपद प्रसार जो है वो किस तरीके से किया जाता है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन की हेल्प से अपन इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सरल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन जो गिवन है उसको लिख लेते हैं इसके प्रूफ में। P एक अभाज्य संख्या है P एक प्राइम नंबर है तथा HCF ऑफ A एंड P इक्वल्स टू 1। A और P का जो HCF है वो कितना गिवन है, यहाँ पर 1 है गिवन है। तब यहाँ पर प्रूफ करना है, तब सिद्ध क्या करना है, a की पावर p -1 कॉन्ग्रुएंस 1 मॉड p, ये मुझे यहाँ पर प्रूफ करना है, ठीक है, ये प्रूफ करना है। अब देखिए
सबसे पहले अपन बाइनोमियल जो अपना प्रसार है, बाइनोमियल एक्सपेंशन है, उसको लिखेंगे अपन। x1 और x2 दो एलिमेंट लेते हैं, दो को इंटीजर उठाते हैं और उनके लिए अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन को लिखते हैं। तो लिखेंगे द्विपद प्रसार से, बाइनोमियल एक्सपेंशन से x1 प्लस x2 की पावर p हो, क्या हो x1 प्लस x2 की पावर क्या हो p हो, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, देखिए p c 0 x 1 की पावर p, ठीक है, फिर p c 1 x 1 की पावर p माइनस 1 और x2 की पावर 1, ऐसे लिखते जाएंगे। यहाँ पर पावर्स घटती जाएगी, यहाँ पर पावर्स बढ़ती जाएगी। फिर क्या आएगा, पी सी टू एक्स वन की पावर p माइनस टू और x2 की पावर है 2, ठीक है। इस तरह से चलते 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 जो लास्ट से पहली वाली टर्म होगी पी सी पी माइनस वन, उसमें x1 की पावर 1 होगी और x2 की पावर p माइनस वन होगी, ठीक है। और सबसे जो लास्ट वाली टर्म होगी पी सी पी, ठीक है, उसके अंदर एक्स वन की पावर तो ज़ीरो हो जाएगी और एक्स टू की पावर क्या हो जाएगी, पी हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर लिखा जाएगा, पी यहाँ पे एक प्राइम नंबर है ही, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी अपने पास में एक्स वन और एक्स टू, क्या आ गया अपने पास, ये वाली पी सी जीरो ये वन होगी और पी सी पी ये भी क्या होगी, वन होगी। बाकी सब के अंदर पी की कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो फाइंड आउट होगी। तो यहाँ पे मैं एक्स वन की पावर पी और एक्स टू की पावर पी इनको अलग से लिख लेती हूँ, और ये जो बाकी जितने भी मेरे फंक्शंस, जितने भी टर्म्स यहाँ पर बची है वो सभी टर्म क्या होगी, पी की फॉर्म में लिखी जाएगी, या मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पे पी से डिविजिबल होगी, या मैं ये कह सकती हूँ कि ये सब की सभी, ये सभी की सभी क्या होगी, पी का फंक्शन की फॉर्म में होगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एफ ऑफ पी, ये लिख सकती हूँ एफ ऑफ पी, यानी जहाँ एफ ओ पी पी से भाज्य है। तो जब अगर ये P से डिविजिबल है तो मैं इस वैल्यू को क्या लिख सकती हूँ कि ये क्या है, मोड P, यानी ये वाली वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, P से डिविजिबल होगी। तो मैं ये लिख दूंगी x1 की पावर P प्लस x2 की पावर P, तो यहाँ पे लिखा जाएगा मोड P। इस तरह से यहाँ पर इसको अपन लिख सकते हैं, ठीक है, इतना अपन ने इसको यहाँ पर लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पर जो है यही सेम चीज़ क्या कर सकते हैं, अपने अपने ये दो टर्म्स के लिए लिखा है, तो यहाँ पर अपने को देखिए क्या, अपने को जो क्वेश्चन था अपना, उस क्वेश्चन में क्या चाहिए था, a चाहिए था। तो यहाँ पर मैं x1 x2 इस तरह से इसको क्या लिख सकती हूँ, a तक क्या कर सकती हूँ, एक्सपेंड करके इस चीज़ को लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, इसी प्रकार x1 प्लस x2 टेंस टू x a की पावर p है, तो क्या लिखा जाएगा, x1 की पावर p प्लस x2 की पावर p टेंस टू x a की पावर p और मोड p। इस तरह से अपन इसको a की फॉर्म में, यानी a तक अपन इसको लिख सकते हैं। जब अपन इसको a तक लिखेंगे, a तक मैंने क्यों लिखा, देखिए अब जैसे ही मैं यहाँ पे x1, x2, x3 जितनी भी वैल्यूज़ है उनको मैं वन पुट कर दूंगी, तो यहाँ पे a टर्म a बार क्या होंगे, वन आएंगे, तो उसको मैं सभी वैल्यूज़ को मिला के क्या लिख लूँगी, a लिख लूँगी। तब यहाँ पे लिख लेते हैं, तब माना x1 equals to x2 equals to tends to xa equals to 1, ठीक है, इन सभी वैल्यूज़ को मैं क्या ले लेती हूँ, यहाँ पर 1 ले लेती हूँ। तो जब जैसे ही मैंने इन सबको क्या लिया, 1 लिया, ये वाली वैल्यू 1 1 1 1 a बार आएगा, तो मैं क्या लिख लूँगी, उसको a लिख लूँगी, यानी यहाँ पर हो जाएगा a की पावर p, या ऐसे लिख सकती हूँ 1.1. ए बार ही आ रहा है, देखो एक्स ए टर्म्स है तो ए बार है, इसकी पावर पी होगी, और इसमें वन की पावर पी प्लस वन की पावर पी
ये भी क्या होगी, ए बार होगी। तो यहाँ पर यहाँ भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए बार मोड पी। ठीक है, ये यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस के साइन में क्या हो जाएगा, जैसे ही वहाँ पे मोड पी लगा था वहाँ पर ये किस में चेंज हो गया था, कॉन्ग्रुएंस में चेंज हो गया था, क्योंकि डिविजिबल हुआ था ना, अपन ने एफ पी को क्या लिखा था, पी से डिविजिबल लिखा था, तभी तो वहाँ पे मोड पी में उसको कन्वर्ट किया था। तो ये वैल्यूज क्या बन जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा अपना ए की पावर पी कॉन्ग्रुएंस ए मोड पी। अब जब यहाँ से अपन ए को हटाएंगे, दोनों तरफ ए का मैं डिवाइड करवा दूँ, तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, a की पावर p माइनस वन, और इधर क्या बच जाएगा, वन बच जाएगा, और यहाँ पे मोड p बच जाएगा। और यही अपने को क्या करना था, इस थ्योरम में प्रूव करना था, या इसको अपन, ये जो अपना रिजल्ट आया है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ पे a की पावर p माइनस वन है, इधर वन है, तो क्या लिखेंगे, p डिविजिबल a की पावर p माइनस वन माइनस वन, अर्थात a की पावर p माइनस वन माइनस वन p से भाज्य होगा, यानी p से डिविजिबल होगा। यही अपने को जो फर्मेस लिटिल थ्योरम होती है उसके अंदर अपना प्रूफ करना रहता है। फर्मेस लिटिल थ्योरम के स्टेटमेंट के अंदर अपने को गिवन होता है कि p एक इंटीजर है, और a और p का जो है HCF वो कैसा है, अपना वन गिवन है, ये दो कंडीशन गिवन होती है, तब अपन फर्मेट्स थ्योरम के स्टेटमेंट को इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ये चीज़ गिवन होती है, यहाँ पे a की पावर p कॉन्ग्रुएंस a मोड p आया अपना, तो यहाँ पर मैंने जैसे ही a का दोनों तरफ मैंने क्या करवाया, डिवाइड करवाया, तो ये यहाँ पे तो बन गया a की पावर p माइनस वन, और यहाँ a से a कैंसिल होके क्या बन गया, वन बन गया, और इधर क्या बन गया, मोड p। तो इसको अपन क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं। इसके कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, जब कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन अपन इतने दिनों से पढ़ी रहे हैं, तो कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन में क्या रहता है, यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो इनके माइनस को क्या करेगी, डिवाइड कराएगी, यानी p डिविजिबल होगा a की पावर p माइनस वन माइनस वन से। ठीक है, यानी a की पावर p माइनस वन में क्या हो जाएगा, p से डिविजिबल होगा। यही अपने को इस थ्योरम के अंदर प्रूफ करना रहता है। ठीक है, तो ये थी अपनी फर्मेस लिटिल थ्योरम, जिसके बारे में अपन ने आज की वीडियो में पढ़ा है। आई होप आपको समझ आए होंगे। कल अपन फर्मेस लिटिल थ्योरम के कुछ एप्लीकेशंस को यहाँ पर पढ़ेंगे, कि फर्मेस लिटिल थ्योरम का अपन यूज़ जो है वो किस प्रकार से यहाँ पर कर सकते हैं। तब तक कि आप इस वीडियो को देखिएगा, और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।